भैया मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा, राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे, ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। जीवन में कभी कभार वो दिन आता है जब प्राणी अपने हाथों से अपना इतिहास लिख सकता है। आज वही दिन है जब हमें न केवल अपना अपना वर्ण अपनी जाति का अपने देश का इतिहास अपने रक्त से लिखने का समय आ गया है। शत्रु का मनोबल आज बड़ा हुआ है। दुर्घस महाबली कुंभकर्ण और इंद्र विजेता मेघनाद जैसे पराक्रम वीरों को उन्होंने एक देशद्रोही की सहायता से पराभूत कर दिया है, परंतु वो नहीं जानते कि अपने देश की गौरव पताका को ऊंचा उठाने के लिए लंका का बच्चा बच्चा इंद्रजीत और कुंभकर्ण बनकर उन पर टूट पड़ेगा। हमने संकल्प किया है कि राम और लक्ष्मण लंका से जीवित नहीं जा सकेंगे। एक स्त्री के कारण सर्वनाश की घड़ी आ गई है। बेटी, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। हाँ, दोष उसका नहीं, खोट तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरे स्वामी का है। परंतु उन्हें अनीति के राह पर चलने से क्या आप रोक नहीं सकेंगे? तुम्हारा पति कोई नई रीति नहीं कर रहा है बेटी, ये तो हमारे दानव समाज की पुरानी परंपरा है कि जिसकी जितनी अधिक रानियां होंगी वो उतना ही अधिक वैभवशाली और बलवान माना जाएगा। ये तो प्रतिष्ठा की निशानी है बेटी।